नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, जो आपकी बॉडी है, शरीर आपका शरीर देखते के साथ व्यक्ति ये जजमेंट आराम से निकाल सकता है कि आपके कौन से ग्रह मजबूत हैं, कौन से ग्रह कमजोर हैं, आप किस ग्रह के अंडर में हैं, कौन है आपका इष्ट देव, क्या हो सकता है आपका मूलांक, सब कुछ आपका शरीर बयां कर देता है। आपकी आंखें, आपके दांत, आपका चेहरा, आपका फिगर सब कुछ बताता है। व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी उसका शरीर आसानी से दे देता है, क्योंकि जो भी जीव है इंसान वही करता है वो जिस ग्रहक से जुड़ा हुआ है। आप देखो, जो लोग गुरु प्रधान है वो लोग ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, है ना, क्योंकि गुरु ग्रह कैसा है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक ग्रह है, देवताओं से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो गुरु प्रधान व्यक्ति कैसा होगा? पूजा पाठी होगा, सत्यनिष्ठ होगा, सच बोलेगा, सच के लिए मर भी मिटेगा, चरित्रवान होगा, पढ़ाई लिखाई में उसका जबरदस्त मन लगेगा, अपने नाम यश और कीर्ति के लिए मर मिटने को भी तैयार होगा, बराबर। शुक्र प्रधान व्यक्ति ये कैसा होगा? देखने में सुंदर होगा, धन कमाने की जबरदस्त लालसा होगी, प्रचुर मात्रा में धन कमाएगा, श्रृंगार के सामानों से जुड़ा हुआ होगा, इस टाइप का सामान बेचेगा, बहुत ज्यादा तैयार होगा, अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश करता रहेगा, है ना। तो आप वही सब कुछ करते हैं जो ग्रह से आप जुड़े हैं, जो आपका ग्रह कर रहा है, राइट। राहु प्रधान व्यक्ति है, क्या करेगा? पल पल पर झूठ बोलेगा, धोखा देगा, नशा करेगा, चोरी करेगा, गलत लोगों के संगत में रहेगा, मौका मिल गया तो बड़े प्रमाण में धन कमा लेगा, और कभी देखो तो उसके जेब में 2 रुपया भी नहीं होगा। उसकी लाइफ हमेशा अप और डाउन में चलती रहेगी। देखाव करने के लिए कभी इतना कर्जा कर लेगा कि वो कर्ज भरते भरते उसकी दम निकल जाएगी, लेकिन देखाव सही समय पर कर लेगा, है ना। केतु से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है? एक अननोन वर्ल्ड से जुड़ जाता है, अनजान दुनिया, अनजान दुनिया की जो शक्तियां हैं उससे जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ होता है, और ये शक्तियां उसकी मदद भी करती हैं। चलिए, हम तमाम ग्रहों की बात ना करें, हम आज जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं हम उसकी बात करते हैं। कि जैसे मैंने शुरुआत की कि आपका बॉडी फिगर आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि आप कोई ऐसी महिला से जुड़े हैं जिसके दांतों के बीच में गैप है, ऊपर के दांतों के बीच में गैप है, 32वीं में जो ऊपर के दांत हैं, इनके बीच में यदि गैप है तो वो महिला कैसी होगी, आज हम यही बात करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। जिस महिला के ऊपर के 32वीं के ऊपर का जो हिस्सा है, इन दांतों के बीच में यदि गैप है, ऐसी महिला बहुत बुद्धिमान होती है, उसके अंदर बुद्धि बहुत प्रचुर मात्रा में होती, लंबा सोचती है। आज अगर वो कहीं दाना फेंक रही है तो उसका दिमाग कल पर चलेगा कि कल इससे मुझे क्या मिलने वाला है। जिस महिला के दांतों के बीच में जगह है वो बहुत चतुर होती है, कभी अपना नुकसान नहीं करेगी, ये आप लिख लो। वो कभी भी किसी भी फील्ड में काम कर रही है, किसी भी फील्ड में हो, कभी भी वो खुद का नुकसान नहीं होने देगी, अगर नुकसान हो रहा है तो सामने वाले का हो जाए। जब कभी वो बिल्कुल किनारे पर आ जाएगी इधर या उधर, तो तुरंत वो अपनी जगह पर खसक जाएगी जहां उसका कोई नुकसान ना हो, सामने वाले को चाहे कितना भी नुकसान हो रहा है वो ढकेल देगी। बहुत ही चतुर होती है ऐसी महिला दोस्तों, बहुत मेहनतू भी होती है, जो भी काम करती हैं पूरी मेहनत से करती हैं,
जितना भी उनके पास शारीरिक या मानसिक बल है वो बल लगा देती है। समय आने पर दोस्तों ऐसी महिलाएं कभी भी मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आती। जिस दिशा में वो आगे बढ़ रही है, जो उनका ध्येय है, उस ध्येय की प्राप्ति में जब भी उनको मौका मिल जाएगा कि हाँ अब मेरा ये काम हो सकता है, उसी क्षण वो अपना काम कर लेती हैं। वाक चातुर्य भी इनके अंदर बहुत जबरदस्त होता है। बातों बातों में किसी को भी अपनी पटरी पर आसानी से ले आती हैं और अपना काम सिद्ध कर लेती हैं। वाक चातुर्य जबरदस्त होता है। बोलने में बहुत ज्यादा माहिर होती हैं। कभी कभी और कभी कभी नहीं 80% उनकी लाइफ का ऐसा जाता है जब वो बेशर्माई पूर्वक अपने कामों को सिद्ध कर लेती हैं। अगर उनका कहीं से कोई काम निकल रहा है तो वो शर्म वरम एक तरफ रख करके अपना काम आसानी से करती हैं। सफलता भी इन्हें बहुत जल्दी मिलती है। ये जो भी काम करेंगी उसमें इन्हें सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होती है। बहुत सारी अच्छाई होने के बावजूद भी एक चीज इनकी लाइफ में होती है कि इन्हें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। सफलता तो मिलती है लेकिन मेहनत स्ट्रगल बहुत ज्यादा प्रमाण में करना पड़ता है। इनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है अर्निंग करने में या कोई भी और फील्ड में सफलता हासिल करने में। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत इन महिलाओं को करनी पड़ती है। प्रेम के मामले में इनका जो भाग्य है बहुत कमजोर होता है, चाहे वो प्रेमी का प्रेम हो चाहे वो पति का प्रेम हो। जितना ये चाहती हैं उतना इन्हें सहकार नहीं मिल पाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होती हैं। तो ये है दोस्तों कुछ वो लक्षण जो वो महिलाओं के हैं जिनके दांतों के बीच में गैप होता है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।